नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी जी। मेरा ये वीडियो है फॉर अ लेडी कॉल्ड एज प्रत्युषा कुमारी। प्रत्युषा कुमारी इज अ नर्स, वो सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में काम करती है जो पटना बिहार में है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये केस पटना से जुड़ा हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है, तो शायद ये बिहार इलेक्शन से कुछ लेना देना रखता है। तो मैं इन सबको कहना चाहती हूँ कि इट्स जस्ट एन इंसिडेंट जो मेरी नजर में आया। आई एम ऑब्वियसली सपोर्टिंग द कॉज ऑफ बरखा त्रिहान जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करती है। उनका एक आयोग है, पुरुष आयोग, जो मेन यानी पुरुष के ऊपर जो अत्याचार हो उसके लिए आवाज उठाता है। तो उनका मैंने ये वीडियो देखा जहां पर प्रत्युषा कुमारी, who is a nurse, she is a COVID warrior, जी हाँ, वो बहुत बड़ी केबीसी की फैन है। उसने केबीसी के सारे राउंड्स यू नो पास कर लिए थे, जो क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड भी पास कर लिया था, एंड दैट हैपेंड ऑन 24th of August। और अब 20 September को शी वॉज सपोज टू ट्रेवल टू मुंबई फॉर अ शूटिंग ऑन 23rd, 25th and 24th of September। मगर जब उससे कुछ लीगल फॉर्म्स भरवाए गए और उसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई केस है, तो प्रत्युषा कुमारी ने बोला हाँ, उसके ऊपर एक केस है अंडर 498A। नाउ 498A इज अ केस जहां पर एक औरत अपने पति के साथ साथ पूरे फैमिली को कटघरे में खड़ा कर देती है। ज्यादातर ये केसेस नकली केसेस होते हैं। इन केसेस के ऊपर बरखा त्रिहान ने बहुत बातचीत करी है। यू शुड विजिट हर यूट्यूब चैनल and really understand how women put fake cases on the husband and the family of the husband if they disagree with him on a certain topic। तो ये प्रत्युषा कुमारी के ऊपर उसी के छोटे भाई की वाइफ ने ये 498A का केस डाला हुआ है जो वो कहती है फेक है। और बिकॉज ये केस उसके ऊपर डाला हुआ है एंड शी इज नॉट इवन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ द अनबन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, शी इज नॉट एबल टू फुलफिल हर ड्रीम टू पार्टिसिपेट इन केबीसी जो वो 20 साल से देख रही है। तो मैं जानना चाहती हूं कि अमिताभ बच्चन जी, जो ऑब्वियसली कोविड के जमाने में कोविड वॉरियर्स के लिए बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, नानावती हॉस्पिटल को प्रमोट करते हैं, चाहे वो उस नानावती हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर हो या ना हो, वो अमिताभ बच्चन उनके शो के अंदर, उनके शो की सबसे बड़ी फैन प्रत्युषा कुमारी, अगर उनके सामने 498A के ऊपर एक दरखास्त रखना चाहती है कि वो केस नकली है और उसको चांस देना चाहिए टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंड बीइंग ऑन द हॉट सीट ऑपोजिट अमिताभ बच्चन जी, तो क्या अमिताभ बच्चन जी इसके लिए भी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे कि वो सिर्फ फ्री फंड वाले जो नानावती हॉस्पिटल का पेड पीआर है उसमें आवाज उठाएंगे? क्या वो एक जीती जागती जिंदा इंसान, रियल नर्स, रियल कोविड वॉरियर के लिए आवाज उठाएंगे जो उन्हीं के शो में आना चाहती है और उन्हीं का समर्थन चाहती है? तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू अमिताभ बच्चन जी। सॉरी सर, नथिंग पर्सनल, बट आप सोशल मीडिया के जमाने में रहते हैं, आप कोविड वॉरियर्स को सल्यूट करते हैं, तो क्या आप ये कोविड नर्स के लिए आवाज उठाएंगे जो आपके ही शो की, आपकी ही सबसे बड़ी फैन है? नमस्ते।